कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विजन और मेरा नाम है ईशा। दोस्तों आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये मेबेलिन का सुपरस्टे 24 फुल कवरेज फाउंडेशन का रिव्यू। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये जो फाउंडेशन है इसके बारे में काफी आपने सुना होगा, मैंने भी इसके बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें सुनी थी, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया है। दोस्तों ये जो फाउंडेशन मैंने परचेस किया है ये मैंने खुद के पैसे से परचेस किया है एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है दोस्तों वो है देखिए 750 रुपीज़ का, और मुझे ये 750 रुपीज़ में ही पड़ा है, बट यू नो मुझे इसको ट्राई करना ही था तो नायका से ये मैंने परचेस किया है। दोस्तों इसमें मेरा शेड है 310 सनबेज, और फिट मी मैट का जो फाउंडेशन आता है मेबेलिन का उसमें भी मेरा शेड 310 सनबेज ही है, इसीलिए मैंने ये वाला शेड चूज़ किया और ये मेरे स्किन को परफेक्टली मैच करता है। इसको मैंने 2 से 3 बार यूज़ की हूँ तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं पैकेजिंग की, तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है, और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी ये है कि ये पम्प के साथ आता है। देखिए ये पम्प के साथ आता है। मेबेलिन का फिट मी मैट जो फाउंडेशन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो फाउंडेशन, और ये वाला जो फाउंडेशन है वो पम्प के साथ है। वो वाले फाउंडेशन में मुझे एक ही प्रॉब्लम था कि वो यू नो पम्प के साथ नहीं आता है, कोई ड्रॉपर के साथ नहीं आता है, बट ये वाला फाउंडेशन पम्प के साथ है जो कि एक प्लस प्लस पॉइंट है इसका, और मुझे ये बात इसमें सबसे अच्छी लगी, सबसे अच्छी, क्योंकि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है और मैं थोड़ा यू नो अच्छे से इसको यूज़ कर सकती हूँ, अच्छे से प्रोडक्ट बाहर आता है, जितना चाहिए उतना आता है। फिट मी मैट फाउंडेशन में मुझे यही प्रॉब्लम था कि उसमें यू नो मैं जब लेने जाती थी थोड़ा ज़्यादा गिर जाता था तो बड़ा प्रॉब्लम होता था, फिर वो हाथ से वापस उस बॉटल में डालो ये बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है, तो ये बहुत ही हाइजीनिक है। वाइट कलर का पैकेजिंग है, वाइट और ये ग्लास कलर का, और ये बाहर जो आपको कलर दिख रहा है वो एक्चुअल फाउंडेशन का कलर है। दोस्तों देन बात करते हैं इसके जो भी ये क्लेम करता है, ये फाउंडेशन क्लेम करता है कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है, सीमलेस मैट फिनिश है, ब्रीदेबल एंड कंफर्टेबल है। इसको लगा कि आपको कंफर्टेबल लगेगा, ऐसा केकी फील नहीं आएगा, ये नो कभी कभी कोई फाउंडेशन लगाने के बाद अनकम्फर्टेबल लगता है वो नहीं लगेगा। फेड और ट्रांसफर रेजिस्टेंट है, देन ऑयल फ्री है, डजंट क्लॉक पोर्स है, और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। तो सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है इसमें। तो दोस्तों जो फुल कवरेज और लॉन्ग लास्टिंग की बात है वो एकदम ट्रू है, ऑयल फ्री जो फिनिश की बात है वो भी एकदम ट्रू है, देन ये फेड नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर तो मुझे मैंने इतना देखा नहीं अच्छे से, बट हाँ फेड नहीं होता है, ये बात एकदम ट्रू है। इसको लगाने के बाद अनकम्फर्टेबल नहीं लगता, मैट फिनिश बहुत अच्छा है, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये फाउंडेशन। 2-3 बार ही यूज़ किया है बट बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये जो फाउंडेशन है ना ये एकदम फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल भी यू नो केकी नहीं लगता है। दोस्तों तो अभी ये वाला फाउंडेशन मैं आप लोगों को अप्लाई करके बताती हूँ, तो बहुत थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे ले रही हूँ, जस्ट वन पम्प, देखिए मैंने अपने हाथ पे ले लिया है। आज दोस्तों मैं स्पॉन्ज से नहीं लगाऊंगी, अपने हाथ से अप्लाई करूंगी, यू नो हाथ से मुझे अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है फाउंडेशन, और मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड थोड़ा सा यू नो लोशन लगाया है। प्राइमर मैंने यूज़ नहीं किया है आज, तो सबसे पहले मैं इसको डॉट डॉट कर लेती हूँ। आपको यू नो लाइट लगाना है तो आप लाइट भी लगा सकते हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप 2 से 3 पंप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि पहले थोड़ा सा लीजिए फिर उसको यू नो बिल्ड कीजिए कलर को। देखिए ये वन लेयर लगाया मैंने, और मैं इसका अभी सेकंड पंप ले रही हूं, देखिए और मैं इसको लगाने वाली हूँ।
मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए अप्लाई करती हूँ ना दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी फाउंडेशन लगाने में प्रो नहीं हूँ, और कभी कभी क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कम कम लेती हूँ फाउंडेशन और फिर उसको बिल्ड करती हूँ। आंखों के ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा लगा लीजिए ताकि एकदम सेम लगे स्किन। तो देखिए दोस्तों, फिनिश कितना अच्छा फिनिश है, बहुत ही अच्छा फिनिश है दोस्तों ये। डे लाइट में तो आप लोगों को इतना अच्छा लुक देगा ना, मैं तो बहुत फैन हो गई हूँ दोस्तों। तीन फाउंडेशन है जो मेरे फेवरेट है, फिट मी मैट फाउंडेशन मेबलिन का, लॉरियल का इनफॉलेबल फाउंडेशन, एंड देन एक है फेसेस का जो सेकेंड स्किन फाउंडेशन है, लास्ट टाइम मैंने आपको उसका रिव्यू दिखाया था। और ये वाला फाउंडेशन जो है ये मेरा फोर्थ फेवरेट फाउंडेशन है। अगर आप लोगों को एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो इसको ज़रूर एक बार लेके आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिनिश तो बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर पाउडर थोड़ा लगाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो अगर आप लोगों को एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो इसको ज़रूर आप यूज़ करके देखिए दोस्तों। ये जो फाउंडेशन का स्टेइंग पावर है ना वो बहुत अमेजिंग है। लास्ट टाइम मैंने जब इसको अप्लाई किया था तो 12 साढ़े 12 बजे मैंने इसको अप्लाई किया था, एंड रात को 9 से 9:30 बजे मैं घर पे आई थी, तब तक मेरा फेस फ्रेश दिख रहा था, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। बहुत ही कम फाउंडेशन होते हैं जिसमें इतना अच्छा स्टेइंग पावर होता है और शाम तक आपको फ्रेश लुक दे, तो ये वो फाउंडेशन है। आप रिग्रेट नहीं करोगे इसको लेने के बाद, बट कलर अच्छे से चूज़ कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन पर। अगर आप लोग को यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।